चलिए अब एक काम करते हैं, केडिया नॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया को जोड़ लेते हैं। सुशील जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सॉरी आज थोड़ा लेट आया आपके पास। आज रॉकेट कॉल से शुरुआत करेंगे। आज की रॉकेट कॉल क्या होगी, बताइए आपकी। इतने ज्यादा रॉकेट कॉल्स हैं इस वक्त बाजार में, शॉर्ट टर्म इंडेक्स की बात अपनी जगह पे कि हमारे क्लाइंट्स आपस में मजाक करते हैं, इतने शेयर्स खरीदने के लिए कोई बैंक लूटना पड़ेगा, तो ना इतने ज्यादा रॉकेट कॉल्स है, बाजार अलग ही है। अभी राहुल अरोड़ा जी जैसे आपको जिलेट पे बता रहे थे, तो उनकी फंडामेंटल रिसर्च रिपोर्ट भी मैंने देखी है, वो एज ए कंजर्वेटिव पर्सन, उन्होंने बड़ा हम्बल फोरकास्ट किया है। ये देखिए, जिलेट की चार्ट से शुरू करते हैं, मुझे ये जो चाल शुरू हो चुकी है अगले साल डेढ़ साल में, ये जिलेट 10,000 हो जाएगा तो कोई भी आश्चर्य नहीं होगा, और ये 10,000 पे भी थमेगा नहीं। कोई 5 साल का व्यू ले तो मेरे को लगता है स्टॉक 5 बैगर है यहाँ से, ये 5,000 का 25,000 होते लगता है 5 साल में, पर टुकड़े टुकड़े में इस पे काम करेंगे अगले 1 साल में, पहले से 10,000 होने दीजिए। दूसरा, उन्होंने जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ एंड हाइजीन बोला, तो टेक्निकली चार्ट इतनी ज्यादा बुलिश है कि 20,000 का भाव लगता है इस वक्त, ये जो 14,500-15,000 है, और PGHH के अलावा PGHL जो है वो मेरे को सीधा डबल होते लग रहा है। तो ये ग्लैक्सो है या ये फाइजर है, ये जो बढ़िया क्वालिटी की MNC कंपनीज जो ओवर वैल्यूएशन में एक करेक्शन की साइकिल में फंस गई थी, इन सब में लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, तो इनको 19,000 की निफ्टी से मतलब नहीं, क्योंकि 19,000 की निफ्टी पे बहुत सारे स्टॉक्स 12,000 और 14,000 के भी भाव में पड़े थे, और हाईएस्ट क्वालिटी गवर्नेंस, हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, और ओवर वैल्यूएशन था, ओवर ए टाइम वो एडजस्ट हो गया, तो ये सारे स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के ब्रेकआउट्स है निवेशकों के लिए। और अब आ जाते हैं हमारे यूजुअल शॉर्ट टर्म प्लेस पे, तो देखिए जैसे बॉम्बे डाइंग की आपको चार्ट मैंने अप्रैल के महीने में भी 50 में हमने बात की थी 150 हो जाएगा, और फिर 80 में भी उसको रीएम्फसाइज किया। लास्ट 3-4 दिन की जो प्रॉफिट टेकिंग आई है ना, उसके बावजूद भी अनुज यहां से लगता नहीं कि इसको बेच देने का मतलब है, और लेने का जी कर रहा है। और देखिए आज जैसे थोड़ा ग्रीन टिक आना शुरू हो गया, तो इंट्राडे में जब भी इसके अंदर आ गया रिवर्सल ब्रेकआउट, बॉम्बे डाइंग वापस बाई हो गया, अब अगला पड़ाव इसका 140 लगता है। तो बॉम्बे डाइंग की तर्ज पे उसी की तरह से अब ये जो साथ में और जो रियल एस्टेट के कुछ स्टॉक्स भागेंगे, सनटेक में आप देखो वीकली चार्ट के ऊपर जिस तरह का मैसिव ब्रेकआउट ही आया है, हमें लगता है सनटेक 10-20 रुपए की परवाह नहीं करनी चाहिए, उतना ही पोजीशन बनाओ कि 10-20 रुपए के झटके में आपको स्टॉप लॉस नहीं लेना पड़े, तो 700-750 उसके ऊपर भी कहीं तक जा सकता है, रखना पड़ेगा 6 महीने स्टॉक। और इंडिया बुल्स रियलिटी ऑन द सेम फ्लेवर, तो इंडिया बुल्स रियलिटी में भी जो ब्रेकआउट्स बन रहे हैं, एक अगला पड़ाव खाली बचा है 66-67 का, 67 के ऊपर गया तो 90 जाएगा, और मुझे लगता है कोई 2 साल इसको उठा के बैठ जाएगा तो इसका भाव 200 रुपए हो जाएगा। तो रियल एस्टेट में एक तरफ अगर ये स्टॉक्स इस तरह से भाग रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपके हो सकता है हम ओवरऑल रियलिटी में शॉर्ट भी कर दें सिग्नल आने पर, हो सकता है हम DLF में शॉर्ट भी कर दें, तो विद इन द सेक्टर्स रोटेशंस काफी हैं, और अडानी ग्रुप के मेरे को सारे स्टॉक्स अब अच्छे खासे भागते लग रहे हैं। अगर मैं आपको ये सारे नाम दिखाऊं, देखिए अडानी ट्रांसमिशन एक नो ब्रेनर चार्ट है, ये चला ही नहीं, और जैसे ये 800 के ऊपर जाएगा इसमें एक मैकेनिकल बाय ट्रेड आ जाएगा 2000 की चाल तक का, पॉसिबल है 2000, हम कंजर्वेटिज्म के लिए इसको 1600 तक ही खेलेंगे। अडानी ग्रीन देखिए नो ब्रेनर चार्ट है, ये साइडवेज कंसोलिडेशन देता जा रहा है, जैसे 1010 के ऊपर चलेगा इसमें सीधे 1600 की चाल शुरू हो जाएगी। NDTV पे हमारी कई बार बात हो चुकी है, उस पर मैं आऊंगा 2 मिनट में, तो अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन खास करके, और चलेंगे साथ साथ में अडानी पोर्ट्स, अडानी इंटरप्राइज भी। अब अडानी इंटरप्राइजेस में जैसे और फर्दर ब्रेकआउट आ जाता है, ये 2470 के ऊपर गया तो इसके अंदर में 3,3200 हो सकता है 3500 तक की भी चाल आ जाए, सो बड़ी स्क्वीज जो है वो अडानी के स्टॉक्स में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। और चलते चलते कुछ क्विकली स्टॉक्स अगर मैं ऐड कर सकूं आज, तो देखिए जी टेलीफिल्म में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल मूव आ रहा है। अब मुझे नहीं पता कि जी में से जो भी जहर निकलना था वो निकल चुका है, नहीं निकल चुका, उसे पॉलिटिकल बातें हैं, बट प्योर चार्ट की नजर से अगर आप देखो इसको, तो ये देखिए 2020 के लो से यहां तक जो था ये लार्ज लॉन्ग टर्म ABC वेव था और ये बी वेव हो गया। जिस तरह की रॉकेट मूव 160 से 380 तक आई थी 2021 में, सिमिलर नेचर की एक मूव मुझे 440 तक जाने की पूरी संभावना दिखती है, स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, तो 188.90 के स्टॉप लॉस से भी 202 का भाव है, हर पुल बैक में इसको लिया जाए, और उतना ही काम कीजिए जितनी आप डिलीवरी संभाल सको, भले फ्यूचर्स में बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है स्टॉक, तो मुझे नहीं पता कि सोनी इसको एकदम एक्सपीडिशियसली टेक ओवर कर लेगा या इसकी सारी समस्याएं पूरी हो गई है, पर चार्ट कह रही है कि इसको बहुत अग्रेसिवली ऊपर बढ़ना है। तो साथ ही साथ डिश टीवी भी उसी कैटेगरी में है, और ये चार्ट्स नहीं दिखा रहा आप, लवेबल लॉन्जरी और वीरू का जो फेवरेट स्टॉक है जुबिलेंट फूड वर्क्स,
ये सारे के सारे लेके बैठिए, मुझे लगता है 50% 100% ये सारे 6 महीने में दे देंगे। नहीं किड़िया साहब, यकीन मानिए जुबिलेंट फूड्स गए जमाने छोड़ दिया, अब पसंद नहीं है पिज्ज़ा, बहुत परहेज करता हूँ मैं इसका। अच्छा आप पिज्जा न खाएं संकल्प रमेश, नहीं तो आप बताइए मुझे कैसे कि यहाँ। नहीं, अब मेरी पसंद वेस्ट लाइफ है, यकीन मानिए। ओके अच्छा ओके ओके मैं आपका दो स्टॉक्स पे व्यू चाहूंगा ऑटो स्पेस में, और वो है मारुति और एक अशोक लेलैंड। सारे स्टॉक्स ने अपने प्रीवियस हाई को काटा, एक स्ट्रांग मूव दिया, अभी तक मारुति अपने उस प्रीवियस हाई को डिसाइसिवली बाइसेक्ट करके ट्रेड नहीं कर पा रहा है, और सेम इज द केस विद अशोक अच्छा लेलैंड, दोनों स्टॉक्स पे आ रहे अच्छा हैं। मैं आपसे एक उल्टा सवाल पूछना चाहता हूं आज, इजाजत है तो। बोलिए, पूछिए। अगर अगर अपने प्रीवियस हाई को भी ये क्रॉस कर देगा तो कौन सा जादू टोना हो जाएगा? किसी हाई को क्रॉस कर देने से किसी स्टॉक की लॉन्ग टर्म कैरेक्टर नहीं चेंज हो जाती। मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूं, ये जो मारुति की नीचे से जो चाल है ना, ये ABC पैटर्न या WXY, ये एक रैली है, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं आएगा इस चार्ट में जब तक ये वापस 7,000 की तलटी को नहीं छुएगा। हम बुरी तरह से इसमें रॉन्ग साबित हो सकते हैं, ऐसा लोग कह के हंसेंगे, पर मैं जिस विद्या को फॉलो करता हूं मुझे इस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। तो इस WXY की देखिए, यहाँ पे जो नया हाई आया उसके बाद ये इतना जोर से नीचे आ गया, एक और नया हाई आएगा तो ये WXY ये X होके एक और Z हो जाएगा। आप एक छिलका और ऐड कर दोगे तो प्याज प्याज ही रहेगा, वो फूल गोभी नहीं बनने वाला है, वो पत्ता गोभी नहीं बनने वाला है, वो प्याज ही रहेगा। ये प्याज के छिलके हैं जो लेयर्स पे लेयर्स ऐड कर रहे हैं। अगर अगर मारुति इस तरह के कोलैप्स पे आता है, पिछली बार भी जो हमारी ये फोरकास्ट थी यहाँ पे कि मारुति 6,640 आ जाएगा, तो हास्यास्पद थी। तो हंसना रोना बाजार कराता रहेगा हमसे, पर जो मेथड है उसी को फॉलो कर पाएंगे। तो सारे WXY पैटर्न्स हैं, और ये सारा का सारा ये जो फ्लो है ना, ये पूरा इस एरिया में, ये आने वाले कुछ वर्षों के लिए बहुत बड़ी तेजी का परिचायक है। पर वो बड़ी तेजी जब तक एक फाइनल करेक्शन नीचे का आके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के स्टॉप लॉस नहीं लगवा देता है, ये स्टॉक 12-15-16 हज़ार की धुरी में चलने के लिए इसको एक बार नीचे वापस पटकना पड़ेगा, उस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए। अब आपके प्रश्न पे मैं आऊं, एक नया हाई आ भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? जिस दिन हमारे पास प्रॉपर सेल सिग्नल आएगा हम सेल करेंगे, हम सारे न्यू हाईस को इग्नोर करेंगे। और आते हैं अब आपके दूसरे प्रश्न पे, अशोक लेलैंड पे। तो करीब करीब वही बात अशोक लेलैंड में भी है। देखिए ये जो डबल टॉप बन गया या एक थोड़ा सा और माइनर हाई बना देगा, तब अशोक लेलैंड हम यहां से लेकर यहां निकल चुके हैं, और उसके बाद यहां से हम अवॉइड जोन में पड़े हुए हैं। तो हमको अशोक लेलैंड लेना नहीं है। देखिए मैं 2 दिन 3 दिन की ट्रेडिंग नहीं कर पाता हूँ, आप भी मेरे पर उतना दबाव मत डालिए, मेरी उम्र का लिहाज कीजिए, वो सब 20 साल पहले होता था, अब नहीं हो सकता हमसे। और ये 2 दिन 3 दिन की ट्रेडिंग करके कोई धन नहीं जोड़ पाएगा। तो मैं अशोक लेलैंड को अवॉइड लिस्ट पे रखूंगा, जब भी सेल सिग्नल आएगा बेचूंगा, मुझे लेना ही नहीं है ये। सुशील जी, दो स्टॉक्स पर और मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ। एक तो रिलायंस, जिसमें कल फाइनली एक ब्रेकआउट आया इतने टाइम के बाद, और एक जो आपकी बहुत शानदार कॉल रही BSE, इसमें क्या प्रॉफिट बुक करें यहाँ पर? अरे मेरी BSE की पोजीशन को टोक मत लगाओ, और मुझे 1200 पे ही बेचेंगे उसको। ठीक है, पर मैं वो चार्ट दिखाऊंगा जरूर आपको। देखिए रिलायंस में क्या हो रहा है, जो रिलायंस के बिल्कुल प्रेमी निवेशक हैं, जिन्हें प्रेम है स्टॉक से, वो इस चीज को सुनकर के खुश हो जाएंगे कि रिलायंस को 4,000 का भाव दिखाना है, और बहुत ज्यादा टाइम में नहीं, 1.5-2 साल में, 1.5 साल में। अरे 4,000 तक जाने के लिए इसको एक बार वापस नीचे अपने आप को पटकना पड़ेगा 2200 तक, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है आप देखो, ये वीकली चार्ट पे थोड़ा सा आपको ज्यादा कंडेंस्ड और क्लियर नजर आएगा। ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस टॉप से रिलायंस 2021 के अक्टूबर के टॉप से ये WXYX बन गया है, ये एक साइडवेज करेक्शन में चल रहा है स्टॉक, साल भर के 1.5 साल के करेक्शन में, जिसमें एक अंतिम चरण बाकी है। निफ्टी भले वो 15,000 होगी कि नहीं होगी, 16,000 होगी कि नहीं होगी, रिलायंस का फाइनल लॉन्ग टर्म बॉटम ये 2150 है, और मुझे लगता है एक बार और ये इधर आएगा ना, तब इसको लेके मजा आएगा। क्योंकि अभी जो इमीडिएट टर्म में भी ये जो रैली है, ये एक रैली का स्ट्रक्चर है, ये बुल मार्केट स्ट्रक्चर नहीं है। वो मैं इलियट वेव की जार्गन में जाऊंगा तो ठीक नहीं होगा टीवी के फॉर्मेट के लिए, उससे संक्षेप में कहना होगा। तो हम शॉर्ट वॉट नहीं करेंगे रिलायंस को, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया भर के दूसरे स्टॉक्स हैं। पर अगर कोई बाजार में हो हंगामा आ गया, और अगर दोबारा रिलायंस 2200 में मिल गई, तो ये एक लाइफ टाइम स्टील होगी, इसे चुरा लेने का मौका होगा। ये 2200 से 4400 की जो चाल चलेगी, इसके लिए मैं इंतजार करूंगा कि कैसे भी इसमें एक सेल सिग्नल बने, या अभी राइट अवे यहां से लेके इसको भगा लेने लायक स्टॉक नहीं लगता है। और क्विकली मैं आपको BSE पे मैं अपडेट दे दूं, देखिए घुसना घुसना किसी भीड़ में अपने दिमाग और अपनी ताकत से चाहिए, और फिर इंसान को इतना नरम कर देना चाहिए अपने शरीर को कि उस भगदड़ में आप कुचले न जाए, जब बाहर फेंकना होगा तो भीड़ आपको फेंकेगी। तो
तो हमने तो जब एंट्री ले ली उसके बाद हम अपने स्टॉप लॉसेस को डे बाय डे बस ऊपर कर रहे हैं। ये देखिए जो लास्ट का स्टॉप लॉस था अब हम इसको यहां कर देंगे और ये स्टॉप लॉस अपने आप हमारे को संभालते रहेंगे। तो हमने प्रीवियस स्विंग हाई को अपना स्टॉप लॉस बना दिया, खड़े रहेंगे, जाने दीजिए इसको 800 850 तक जाने दीजिए, बाईबैक के प्राइस के ऊपर तो जाए कम से कम। ठीक है, बायबैक के प्राइस के ऊपर जाए। सुशील जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अगले ट्यूसडे फिर बात करेंगे आपके साथ। ओके, नीरज जी आ गए हैं स्टूडियो में। नीरज जी अपोलॉजीज, थोड़ा आज हम आपको अरे नहीं, लेट दे रहे बहुत हैं, लेकिन दिलचस्प बातचीत होती है केडिया जी की, और सुनने में भी काफ़ी मज़ा आया उसमें, और लोग बहुत सीखते हैं उससे, इतनी क्लैरिटी के साथ केडिया जी बताते हैं। तो अगला प्लान क्या है अब इसमें रिलायंस में, हम लोगों को इंतजार करना चाहिए कि वो 4,000 का, चार हजार सुशील जी का भी हुआ। हाँ सुशील जी ऐड कर देते हैं, डिस्क्लोजर भी भाई, ये हमारी अपनी कंपनी है इसलिए आप किसी और की राय जरूर लीजिएगा। लेकिन इससे पहले दो इवेंट भी हैं इसमें, एक बहुत बड़ा इवेंट होगा एजीएम, और एक इसकी लिस्टिंग। एजीएम की डेट नहीं आई ना अब तक, अभी डेट नहीं आई, लेकिन जुलाई अगस्त में होती है वैसे, मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में हो जाएगा। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग दिवाली इससे पहले मुझे लगता हो जाएगी, और उससे पहले एक एजीएम होगी। मैंने हमेशा ये कहा कि अगर आपको रिलायंस ट्रैक करना है, समझना है, तो सिर्फ एजीएम की स्पीच को ध्यान से सुनिए, पूरे साल कुछ नहीं करना आपको, खाली उस स्पीच को सुनिए और याद कर लीजिए।